दिन में कुछ ऐसा दिखता है मॉल रोड, अभी तो पूरा खाली है क्योंकि अभी सुबह के 11 बज रहे। तो अभी हम लोग आए हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए इस रेस्टोरेंट में, काफ़ी सही बना रखा, सुंदर बना रखा, बहुत होटल भी है रेस्टोरेंट है, सही है। यहाँ पे बालकनी में सिटिंग एरिया है, ये पूरा वो रास्ता है आगे जाता पूरा मॉल रोड की तरफ, वो सामने आ रहा है, उधर से ही हम लोग आए हैं अभी। यहाँ पे तो फोटो सेशन चल रहा है भाई, बढ़िया एकदम, ज़्यादातर लोग यहीं पे आके खिंचवाते हैं क्योंकि ये आगे ये होप का लिखा हुआ है, लाइटिंग वाला ये बना हुआ है ना होप का, इसलिए यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं बहुत लोग। बढ़िया है, अभी का वेदर ठीक है, यहाँ पे ठंड नहीं है ज़्यादा, बहुत हल्की हल्की सी हवा में ठंडक है बस। वैसे ऑर्डर क्या 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 बताओ? चीज़ी सैंडविच, हाँ, चीज़ी बर्गर, हाँ, एक चाय। तो हमने ऑर्डर किया था चीज़ बर्गर, चाय, कल पूरे दिन हमने चाय नहीं पी थी, आज से ऑर्डर किया। शुरू हो जाओ, अभी हम लोग ऑन द वे ऑफ वे हैं ऑफ जूलॉजिकल पार्क है, और रोपवे स्टेशन के लिए भी यही रास्ता जाता है ये इधर से। तो मॉल रोड से सिर्फ मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 20-25 मिनट लगेगा, आप सीधा जू भी पहुंच जाओगे, और जू और तुम्हारा रोपवे स्टेशन जो है दोनों पास पास में ही है। तो अगर मॉल रोड के आसपास आपका अगर होटल है तो आराम से जा सकते हो, दो जगह तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से ही पहुँच जाओगे, बाकी उसके अलावा और जगह है तो फिर वो टैक्सी वगैरह कर लो, ज़्यादा बेटर है। टैक्सी का नॉर्मल फेयर हमने जो पूछा यहाँ पर 2500 बताते हैं, 2500 लास्ट मैंने जो बोला, 2500 2200 पे आया, 2200 से फिर बोला 2000 रुपये लास्ट, अगर आप करना चाहो और तो फिर और कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1500 तक आराम से हो जाएगा, 7-8 जगह उन लोगों ने बोला कि घुमाने के लिए। पद्मनाइडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क मेरा सामने ही है, इसका एंट्रेंस है, हम लोगों ने एंट्री ले ली है जू के अंदर, ये एंट्री गेट है, ये एंट्री एंट्री ले चुके हैं, और ये इसका मैप है, ये रहा ये पूरा मैप है, हम लोग अभी यहाँ पर है, ये रहे यू आर हेयर, पूरा मैप है ये, अभी देखते हैं कितनी है शक्ति है चलने की। तो ये कुछ ऐसी टिकट मिलती है यहाँ पे 110 रुपये की, एक बंदे की टिकट है, काट के फाड़ के अंदर दिए, लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस अंदर घुसते के साथ ही सामने सो रहा है अभी बेटा, देख रही हो, देखो गाइस अभी हिला ये पांडा भालू, सॉरी भालू भालू, देखो गाइस अभी जो हमने देखा उसका नाम है एशियाटिक ब्लैक बियर, ये इसकी डिटेल है, देखो गाइस देखो क्या देखे, कितने पास पास से दिख रहे हैं, देखो ये देखो ये देख रहा कैसे देख रहा है, ये कह रहा बहुत सही, इतने पास पास से मैंने इमेजिन नहीं किया था इतने पास से दिखेगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह है तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। ये देखो अभी दिखाते हैं है कौन सा, ये आओ, ये हिमालयन गुराल, अब हम देखने वाले हैं हिमालयन ताहर, ये इसकी डिटेल है, लाइव एरा मैं खुद, ये रहा लाइव, ये देखो है ना, सही है बढ़िया लग रहा है, एक हो रहा इधर, ये रहे पास पास में, ये रहे, अब हम देख रहे हैं मारखोर, ये इसकी डिटेल है, और लाइव ये रहे और लाइव, एक वो अंदर था ना, ये रहा अंदर, ये रहा, ये देख सिंह कितने अजीब अजीब से हैं इसके, है ना, ये रहा ये पास में तो बैठा, ये रहा ये देखो सींग कैसे, देखो सींग देखो उसके टेढ़े मेढ़े से, अलग ही डिजाइन है, नहीं बढ़िया है यार, यहाँ पर मस्त है, पैसा वसूल है 110 में और क्या ही लोगे, और वेदर भी अच्छा हो रखा है, और बहुत ही पास पास में दिया हुआ है यहाँ पे ना, ऐसा नहीं कि एक अभी दिख रहा है एक बहुत दूर जाकर दिख रहा है, जैसे अपने दिल्ली के जू में होता है ऐसा नहीं है, बहुत पास पास में ही है, सही है कह रहा, मस्त है। अभी एक और आगे का दिखाता हूँ, और कौन कौन से, अभी रेड पांडा भी है, टाइगर भी है, बहुत सारे हैं, अब जो मैं दिखाता हूँ वो ये है, ये देखो इसका नाम है सांबर डियर,
ये इसकी हाइट, और भी दिखाता हूँ। देखो गाइस कितनी भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर बैठा बैठा शर्माए, आए हाय। देखो ये रहा, ये बैठा है। अरे जूम हो जा, ये रहा, सही है ना, बढ़िया लग रहा है। और दो उधर बैठे हैं, इधर ये वो बैठे दो, सही लग रहा है, बढ़िया है। ये देखो ये इधर बैठा, अभी और आगे चलते हैं। इधर भी बना हुआ है, कैसे बना हुआ देखो, दिखाऊं। उधर से उन्होंने एंट्री करी और तीन चार ऑलरेडी देख चुके हैं, और साथ के साथ साथ ऐसे ऊपर स्टेज जा रही हो, स्टेज से नहीं चढ़ना, जैसे एंट्री लेके लेफ्ट ही रहना, लेफ्ट में ही सीधे सीधे ऐसे आना। तो ये एक दो तीन चार पाँच ऐसे लाइन से ऐसे दिया हुआ आगे तक। अभी आगे देखते हैं आगे वाले। ये जो है, ये है ब्लू शिप, ब्लू शिप, इसके सिंग ऐसे है। देखो देखो अरे, ये रे ब्लू शिप, बढ़िया है ना। ये अगला देख लो, अगले ये तो गाय है ना, शायद गाय है ना, क्या है, अभी देखते हैं लिखा हुआ होगा इसके बारे में। ये कौन सा है, ये है आपका, ओके ये है यक, यक है, यक ऐसा है। चलो अगला देख लो, एक मिनट दिखाओ। हेलो हेलो, ये अगला है, ये कौन सा है देखते हैं। ये है मिशमी टाकिन, ओके एक ही है मेरा, मिशमी टाकिन नाम है इसका। अब आगे चलते हैं, ये है बार्किंग डियर, ये रहे ये छोटे छोटे से हैं बच्चे, ये देखो ये देखो, उधर भी हैं दो, इधर भी हैं। शक्ल देखो उसकी, कितने मासूम कर बैठा बेचारा, एक धूप ले रहा है कि बिना धूप में, एक को ठंड लग रही है, को गर्मी, सही है। कई सारे हैं, चार पांच है। अब आगे चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये तक राइट साइड का हम लोगों ने देख लिया, सीधा सीधा है यहाँ की HMI, यहाँ पे एंड हो जाता है। कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे को आइसक्रीम वगैरह। अभी इधर जीने पे, जीने वाले रास्ते पे चढ़ेंगे, अभी इधर लेफ्ट वाली जगह देखेंगे हम लोग। ये देखो इधर, यहाँ ख़त्म हो गया इस ये वाले रोड पे। अब यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें दिखेगी, रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ब्लैक लेपर्ड, काफ़ी सारी चीज़ें। अब इस वाले रास्ते पे जाएंगे हम लोग, इस वाले पे ऊपर। देखो कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं हम लोग, दिस वन इज ब्लैक फॉरेस्ट फीस्ट, और एक हमने ये लिया है वनीला, ये वाली दो चॉकलेट लिए। पहले चॉकलेट खा लेते हैं, फिर आगे की जर्नी तय करेंगे, फिर दिखाएंगे ब्लैक टाइगर क्या क्या है ना, रेड मांबा अंडा, ये ब्लैक फॉरेस्ट। गाइस ये देखो, ये देखो टाइगर, देखो सो रहा है, ये देखो सो रहा है, अभी अभी ऊपर से दिखाता हूँ। देखो ये रहा, अब हम देखेंगे लेपर्ड, ये रहा सो रहा है, तो मस्त, ये देखो देखो कैसे सो रहा है, कैसे सो रहा है, देख रहे हो, हाँ कहाँ पे चढ़ के सो रहा है, मस्त। देखो गाइस क्या दिखा हमें, ये देखो जगह हुआ है तो से उधर देख रहा है, मैं अपनी लाइफ में खुद पहली बार देख रहा हूँ। देखो डू नॉट टीज और फीट द एनिमल,
इसको डिटेल नहीं लिखा, है ये रहा ना, देखो ब्लैक पैंथर जो अभी हम लोगों ने देखा। आप में से किस किसने अभी तक नहीं देखा कमेंट करके बताओ। मैं तो पहली बार देखा।